यो व्हाट्सएप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आप सभी लोग को पता होगा कि यार माइकल ने फ्रैंकलिन के लिए प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी चुराई थी, लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, वो यार जीपीएस के थ्रू से डिटेक्ट कर लिया और भाई इन दोनों को पकड़ कर जेल में भी ले गए थे। फिलहाल जेल में तो सिर्फ फ्रैंकलिन को ही ले गए थे, अब माइकल ने उसे फिर जाके बचाया था। जिन्होंने पिछले सारे एपिसोड देखे उन्हें पता होगा, लेकिन अब यहाँ पर देखो फ्रैंकलिन के पास कोई भी गाड़ी नहीं है, बेचारा पैदल घूम रहा है, अपनी वही सस्ती सी बाइक चला रहा है। तो भाई यहाँ पर माइकल ने प्लान बनाया कि एक तगड़ी सी कार लाकर देने का, मतलब कि जिससे कि फ्रैंकलिन मतलब खुश हो जाए। तो भाई आपको पता होगा माइकल ने लेस्टर के थ्रू एक बंदे की लोकेशन पता करवाई है, जिसके घर में मतलब कि एक से एक सुपर कार खड़ी है, जिसमें से एक है मैकलारेन है ना। अब यहाँ पर अब माइकल ने ठान लिया कि वो उसके लिए वो गाड़ी चुरानी है और उसको लाकर देनी है, ताकि फ्रैंकलिन भी एक अपनी सुपर कार में घूमे उसकी तरह। जैसे कि आपको पता होगा माइकल के पास तो अपनी लाइकन है, तो वो चाहता है कि फ्रैंकलिन के पास भी एक अपनी सी कोई तगड़ी गाड़ी हो। मतलब वहाँ पर जो बंदा है ना यार, वहाँ से इतना सिंपल नहीं है, उसके लिए घर में जाके और उसकी गोली दिखाए और उसको गाड़ी लेके आए, ऐसा नहीं है। मतलब कि यार उसके पास काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है, वो एक टाइप से समझ ले लॉस सैंटोस का सबसे अमीर आदमी है। तो यहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं उसकी लोकेशन पर, जो कि हमें लेस्टर ने दी है। जो लोग लेस्टर को नहीं जानते जान जाओगे। तो लेस्टर भैया जिसने ज्वेलरी की शॉप में चोरी करवाने का प्लान बनाया था ना, वो गंजा सा, तो भाई वही है लेस्टर। तो यहाँ पर ये हमारी लाइकन, और भैया इतनी कड़क धूप हो रही है ना, मन नहीं कर रहा बाहर जाने का। लाइकन इस गर्म धूप में बिल्कुल गर्म पड़ जाएगी बिल्कुल। तो भाई साहब इन शिमला जैसे रोडों पर गाड़ी चलाने का यार मतलब अलग ही मज़ा आता है, मतलब पूरी शिमला वाली फीलिंग आती है। जितनी बार आता हूँ उतनी बार बताता हूँ, मुझे पता है अब यहाँ पर, लेकिन यार क्या करूँ, मज़ा ही आता है गाड़ी चलाने में। फिलहाल यहाँ से मुझे राइट लेना है और सीधा जाना है, और वो जो बंदे का घर है आने वाला है। भाई कितनी अच्छी जगह यार अपनी, देखो देखो तो गए यार, गाड़ी इतनी पतले रोड पर भी 100 से ऊपर ही चल रही है, इसके मतलब कम से तो बात ही नहीं करती यार भाई। लाइकन मतलब कि हल्की सी रेप तो सीधा 100 पहुंच जाती है। ओके ओके ओके, तो ये ओके तो यहाँ से देखो, ओ भाई देख लो, मैं कह रहा था ना बहुत ही अमीर लोग का एरिया, यहाँ से रोड देखो कैसा हो रही है, सीरिया में देखो आगे देखो रोड कैसा हो गया। ओके तो भाई साहब बहुत ही महंगे महंगे घर है भाई। ओ भाई लेफ्ट पे आ चुका घर। ओ भाई साहब क्या ही यार, गाड़ी इतना सारा मैं देख सकता हूँ ना उतर के, ये तो बच्चा चला है भाई। इधर थोड़ा सा अंदर जाऊँ, तड़ातर गोली मारना शुरू कर दे। तो यहाँ से अभी फटाफट चलते हैं, अपना गाड़ी को पार करके यहाँ से वापस आके देखेंगे हम लोग। भाई साहब इतना कलर देख रहे थे गाड़ी का, और यहाँ पर देख लो भाई इतना महंगा एरिया। भाई साहब भाई यार इतना महंगा महंगा घर है भाई। ओके तो सबसे पहले मैं अपनी लाइकन यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, ताकि मेरी कोई गाड़ी चुरा कर ना ले जाए कोई। ओके तो यहाँ से एंटर हो सकते हैं क्या? यहाँ से एंट्री तो है नहीं, लेकिन हम लोग कर सकते हैं भाई अगर हो जाएगा। अबे शिट यार भाई, अब मेरी हेल्थ तो आधी हेल्थ तो ऐसी चली गई यार, मेरे को मरना नहीं है प्लीज़ यार, मेरे को मरना मत कोई। ओके तो यहाँ पर मैं जाऊँगा कहाँ से भाई, मेरे को सबसे पहले रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ओके तो ये वाला रास्ता भी जा रहा है, यहाँ से जा सकते हैं हम लोग, यहाँ से ऊपर की तरफ हम लोग चढ़ जाएंगे और फिर हम लोग फिर गाड़ी चुराने का आसान हो जाएंगे। अबे चढ़ जा भाई भाई, अबे चढ़ जा भाई। ओके तो चढ़ गया। ओके तो पीछे की तरफ यार उतनी कोई पुलिस है नहीं, जितने भी मेरे घर देखे आज तक सारे के सारे सिक्योरिटी ऊपर की तरफ ही रहते हैं, आगे की तरफ मतलब। यहाँ से भी हम लोग को देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ सिक्योरिटी है। ओके तो ये पुलिस यहाँ पे उल्टा क्यों खड़ा हुआ है भाई? ओके तो यहाँ पे भी दो पुलिस है, ये लोग उल्टा क्यों खड़े हैं? मेरे को लग रहा है पूरा दिन खड़े रहते होंगे ना, तो नशे में वो लोग शायद वैसे ही पूरा दिन नशे में फिर वो लोग वैसे ही उल्टा खड़े रहते होंगे। तो यहाँ पे बारह तौरत लाया हो क्या जो उल्टा खड़ा है? लेकिन छोड़ो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से भी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे वो मैकलारेन्स है ना। और यहाँ पे फुल पार्टी चल रहा है भाई, मतलब देख रहे हो यार वहाँ पे पूरा डांस वांस सब कुछ चल रहा है, पुलिस वुलिस सब कोई है वहाँ पे भाई। तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ से क्या सीन है, और भाई साहब मेरे पास कोई यार ढंग की स्नाइपर भी नहीं है जिससे कि मैं देख सकें जूम इन करके। तो यहाँ पर सबसे पहले झुक जाते हैं, छुप के देखते हैं सबसे पहले क्या कर रहा है, और फिर वहाँ से फिर देखते हैं फिर स्नाइपर हमें पर फिर नहीं तो लाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देख पाएंगे तो। ओके तो ये गन निकाल के देख लेते हैं पहले, यार नहीं दिख रहा यार यहाँ पे, तो सामने भी कोई बैठी हुई, यहाँ से फिर जल्दी से निकलना पड़ेगा मेरे को। जल्दी से एक स्नाइपर लाते हैं और फिर ये लोग फिर देखते हैं क्या करना है ये लोग का। ओके तो यहाँ से जल्दी से पीछे की तरफ से वापस से जाना पड़ेगा मेरे को। तो चलो गाइस यहाँ पे हम लोग गाड़ी के पास आ चुके हैं, जल्दी सब चलते हैं या फिर चलते हैं स्नाइपर लेने के लिए फटाफट से, और फिर इन लोग को फिर जल्दी से इन लोग को सिक्योरिटी को ख़त्म करके और लोग का फिर सारा का सारा गाड़ी जितना भी है एक गाड़ी तो लेके जाना ही है मेरे को, तो जो कि है ना भाई साहब यहाँ पे सिक्योरिटी यार खतरनाक ही पूरा भरा हुआ है भाई साहब, इतना सिक्योरिटी है ना चारों तरफ पूरा फुल सिक्योरिटी था वहाँ पे।
ओके तो अब यहाँ पे जल्दी से फटाफट चलते हैं और फिर स्नाइपर लेकर आ जाते हैं फटाफट से। ओके तो गाइस यहाँ पे मैं स्नाइपर लेकर आ चुका हूँ और फिर जल्दी से अब चलते हैं और फिर लोग वही पीछे के रास्ते से मैं जाऊँगा, नहीं तो फिर दूसरा रास्ते से जाऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और दूसरा रास्ता मेरे को पता भी नहीं, अरे हट जा यार सामने से, इतना धीरे चला रहा है, मेरे को जाने नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर फटाफट से अभी मैं अपनी गाड़ी वापस लगा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी लाइकन पार्क कर देता हूँ ताकि ये चोरी ना हो जाए कहीं से भी, और फिर यहाँ से फिर चलेंगे वापस उसी जगह से और पीछे रास्ते से जाएंगे और एंट्री करेंगे और फिर देखेंगे वो गाड़ी है कि नहीं वहाँ पर, और फिर अगर हुई तो फिर उसको चुरा के निकल जाएंगे हम लोग, फिर नहीं हुई तो फिर हम लोग को फिर लेस्टर से पूछना पड़ेगा कहाँ से वो गाड़ी का लोकेशन बताया था। तो अभी मैं वही पीछे रास्ते से जा रहा हूँ क्योंकि अगर सामने से जाऊँगा तो फिर पुलिस लोग मारने वाने लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर, इसलिए फिर यहीं से फिर मैं जा रहा हूँ वापस से। और यहाँ पर फिर हम लोग चढ़ चुके हैं। ओके तो यहाँ पर मैं अपनी सबसे पहले स्नाइपर निकाल लेता हूँ, देखता हूँ यार बंदे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओके तो ये पूरा फुल डांस कर रहा है यार, पूरा फुल पार्टी चल रहा है, एकदम डांस वगैरह सब कर रहा है यहाँ पर ये लोग बैठा हुआ। ओके तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी देख ही लेते हैं कहाँ कहाँ पर, एक तो ये रहा वहाँ पर दो लोग था। अबे शेट यार, यहाँ से गलती से गोली चल गया, यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा नहीं तो पुलिस वाले लोग दिक्कत कर देगा, मेरे को पकड़ लेगा। अरे इतना पुलिस है यार, जल्दी से पीछे रहते हैं, भागना पड़ेगा भाई साहब। तो पुलिस वाले लोग यहाँ से इतना तुरंत ही लोग स्टार लग चुका है। चलो वैसे हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी लाइकन पे बैठ के और फिर वहाँ से जल्दी से अंदर चलेंगे और फिर वहाँ से हम लोग अपनी मैकलैरन निकल जाएंगे। और मैं पहले तो सबसे मेरे को देखना पड़ेगा भाई कहाँ पे कितना रहा, और सबसे पहले तो पुलिस वालों को ठोकता गंदा वाला भाई, क्या ही खतरनाक ठोका इसको। अब जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा नहीं तो फिर भाई साहब ये गाड़ी का कलर देख रहे हो कितना गजब लग रहा है भाई यार, इतना सारा गाड़ी है ना। अबे ये हेलीकॉप्टर को सब आ चुका है भाई साहब, यहाँ से पानी में जाने वाले बच गया यार गाड़ी। अभी यहाँ से जल्दी से वापस जाते हैं उस जगह पर, ये लोग भी डर गया भाई। अब यहाँ से सबसे पहले इसको मारते हैं भाई साहब, नहीं तो ये लोग छोड़ेगा नहीं मेरे को। अरे ये हेलीकॉप्टर वाले इतना गोली चला रहा है ना, अभी से ही आ जाए तुरंत आकर सबसे। अरे यार इसको मारना पड़ेगा, क्या ही खतरनाक उसको हेडशॉट मारे यार यहाँ पे खाली। अबे ये रहा मैक्लारेन से ना भाई, क्या ही खड़ा होकर देख रहा है खाली भाई यार, क्या ही खतरनाक लोग रहे यार। जल्दी से स्टार्ट कर रहे, भागते हैं यहाँ से भाई। अरे भैया क्या ही स्पीड यार, पूरा टर्न का आ गया। अबे सामने पुलिस वाला आ गया यार भाई, अभी इसको भी मारना पड़ेगा फटाफट, अभी नहीं तो जाने नहीं देगा यार, पूरा रास्ता बंद कर दिया ये लोग। अरे कितना मुश्किल हो रहा है, अबे फंसा दिया पूरा गाड़ी यार, पूरा कांच तोड़ गया यार भाई यार खतरनाक। तुरंत ये लोग इतना अमीर लोग यार, तुरंत ये लोग बुलाया पुलिस वाले लोग, तुरंत आ चुका है यार। यहाँ से जल्दी से फटाफट भागना पड़ेगा, क्या ही खतरनाक स्पीड चल रहा है यार, गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हो रहा यार, क्या ही खतरनाक। बच गया अभी यार, टकरा जाता नहीं तो खतरनाक वाला भाई यार क्या। अबे यार ये तो ये भी लाइक है जितना सुपर फास्ट भाग रहा है भाई, इतना अच्छा यार, पूरा एकदम भागे जा रहा है। अबे यार क्या ही गंदा ठुका ये लोग पुलिस वाले लोग से बचने के चक्कर में। अरे पुलिस, अरे यार ये क्या ही हो रहा है यार, ये पुलिस वाले लोग तो यार बीच में आ जा रहा है यार, मतलब सामने से भी आ रहा है भाई। अरे रे रे, अबे भाई क्या ही कहता ना, वो लग रहा है ब्रेक रोकने के चक्कर में फूट गया उसका गाड़ी। यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा नहीं तो पुलिस वाले लोग छोड़ेगा नहीं। अरे क्या ही खतरनाक 300 का स्पीड पहुँच गया था भाई, भाई साहब यहाँ से जल्दी से भागना। अबे यार ये लोग पूरा रास्ता ही सब ब्लॉक कर दिया। अबे यार क्या है गाड़ी में थोड़ा सा, अरे जल्दी से मार के भागते हैं यहाँ से नहीं तो ये लोग छोड़ेगा नहीं यार मेरे को भाई यार, ये लोग इतना खतरनाक टाइप से पकड़ने आ जाता है ना यार, एकदम लॉस सेंटर से पुलिस भी बड़ी खतरनाक ही है। लेकिन ये गाड़ी का तुरंत ही 200 का स्पीड पहुँच गया भाई यार, मस्त लग रहा है यार गाड़ी। अरे क्या ही ड्रिफ्ट मारता है ये गाड़ी, इतना अच्छा यार, कितना मस्त गाड़ी लग रहा है ना। अभी तो इसको पूरा वापस ठीक करवाना पड़ेगा मेरे को, ये लोग इतना ठोक दिया है ना भाई, तो पूरा कांच सब टूट गया। अरे सामने से भी आ गया यार, अबे यार यहाँ से भी भागना पड़ेगा फटाफट। सबसे पहले तो मेरे को यार ट्रेन का, अबे भाई मैं बोल रहा था कि सबसे पहले को मेरे को ट्रेन का ट्रैक ढूंढना पड़ेगा वहाँ से बचने के लिए लोग से, नहीं तो ये लोग मेरे को छोड़ेगा नहीं, बार बार बस खाली पकड़ने आता रहेगा, जितना भागूंगा उतना भागते आता रहेगा। अरे यार ये लोग इतना सामने से आया जा रहा है ना, गाड़ी का आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है। अरे भाई क्या ही खतरनाक ठुका है यार, खतरनाक। अरे भाई साहब देख रहे हो गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, पुलिस वाला गाड़ी का पूरा ठुक गया, मतलब उसका जो सामने वाला बम्पर रहता है ना सारा उसके निकल गया। यहाँ से भी जल्दी से भागना पड़ेगा। अबे भाई क्या है गाड़ी उड़ गया यार, अरे भाई साहब क्या ही खतरनाक ही हुआ, सामने का तो अगर कांच ही टूट गया यार। अबे सामने भी पुलिस है यार, जो मेरे को साइड से निकलना पड़ेगा। अरे भाई साइड से तो नहीं गए लेकिन यार सामने से निकल गए भाई, क्या ही खतरनाक यार, इतना ये लोग आ रहा है ना पुलिस। अरे भाई साहब क्या ही खतरनाक ठोके जा रहा है ये लोग।
यार जल्दी से भागना पड़ेगा यार यहाँ से, नहीं तो लोग छोड़ गए यहाँ पे हम लोग बचते हुए तो निकल रहे हैं। अबे भाई क्या ही ठुक गया यार, क्या यार अबे यहाँ भी फंस गए। यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा यार, नहीं तो फिर पुलिस वाला दिक्कत करेगा, नहीं तो हम लोग पकड़ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा यार। नहीं तो जेल में तो जाना नहीं है मेरे को, फैमिली को तो जेल में डाल दिया था, लेकिन हम यहाँ पे तो मेरे को तो पकड़ नहीं पाएगा ये लोग। यहाँ से जल्दी से फटाफट भाग के निकलते हैं। अरे भाई क्या ही बचे हैं यार, खतरनाक बच गए। गाड़ी यार पूरा उड़ रहा है। अरे भाई 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 क्या ही स्टंट हो गया यार, दो चक्का में गाड़ी चलाता है। अगर तो फटाफट जल्दी से यहाँ से भागते हैं और फिर चलते हैं, तो जल्दी से ट्रेन का ट्रैक ढूंढना पड़ेगा। अबे यार वापस यहाँ से फंस गया गाड़ी, यहाँ से जल्दी से फटाफट निकलना पड़ेगा ना पुलिस लोग आने से पहले। और वो शायद सामने से आ रहा है। अरे यार क्या ही खतरनाक फूका, अरे कई खतरनाक बच गए भाई यार, यहाँ से खतरनाक ही बच गए ना। तो पुलिस वाला सामने का रोक देता ना गंदा वाला फंस जाते हैं वहीं पर। तो यहाँ पर जल्दी से फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और फिर चलते हैं एकदम फुल स्पीड में। अरे यार वापस ठुके गया यार, मतलब क्या ही इतना बार बार ठुक जा रहा ना गाड़ी, क्या ही बोले अब यार। जल्दी से यहाँ से फटाफट फुल स्पीड में भागे यार, कहीं पर रुकने नहीं वाले। तो यहाँ पर जल्दी से फटाफट भगा देते हैं। गाड़ी का स्पीड तो देखो भाई, पूरे 301 सीधा एक ही बार पहुँच गया भाई, और खतरनाक ही स्पीड भागता। अबे यार इतना स्पीड में चलाने का यही दिक्कत होता है, मतलब बार बार गाड़ी ठुकता है, फंस जाते हैं यहीं पे ऐसे ही। यहाँ से जल्दी से भी फटाफट निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर पुलिस को फिर से आ जाएगा ना, फिर से पकड़ना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जल्दी सामने से यार वो दिन पुलिस, अबे यार क्या ही खतरनाक बच गया। यहाँ से भी यार सामने से पुलिस आया जा रहा है, आया जा रहा है। अरे ये भी गए बच गए यार, अरे तो अभी फिर से ठुकता। अरे ये तो ठोक ही दिया यार, भाग यही बेकार है, बार बार ठुक रहा ना, ठोक दे रहा पुलिस वाले, पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और मेरे को यार ट्रेन का ट्रैक साले याद ही नहीं आ रहा कहाँ पे है ट्रेन का ट्रैक यार, ढूंढना पड़ेगा पूरा हमको, पूरा शहर पूरा घूम घूम के। तो हम सोच रहे हैं यार अभी कोई गली वली के अंदर कहीं पर छुप जाते हैं थोड़ा देर के लिए, ताकि पुलिस लोग सब बच जाए। लेकिन यार हमको नहीं लग रहा यार वहाँ पर भी लोग मेरे को ढूंढ ही लेगा, हमको तो ऐसा लग रहा। और ये सामने से पुलिस वाला आ रहा है भाई यार, अरे भाई क्या ही खतरनाक ठोक गया है पुलिस वाले का गाड़ी को यार, देख रहे उसका गाड़ी पूरा क्या ही खतरनाक हो गया यार। जहाँ से जल्दी से भागते हैं हमने तो पुलिस वाले छोड़ेगा नहीं मेरे को, यहाँ से फटाफट निकलते हैं अब एकदम। तो हम सोच रहे हैं यार कहीं पे साइड में रोक जाते हैं थोड़ा देर के लिए, तो हो सकता है शायद मेरे को ढूंढ नहीं पाए यार मेरे को, लेकिन यार लेकिन वैसा तो हो नहीं रहा है। बार बार लोग मेरे को ढूंढ ही ले रहा कैसे ना करके करके। यहाँ पर जल्दी से फुल स्पीड में भगाते हैं यार, अभी तो कहीं पुलिस वाले को दिख नहीं रहा मेरे को मैप पे। यहाँ से जल्दी से फटाफट भागते हैं अब, हमको लग रहा है पुलिस से छूट जाएगा मेरा। यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रुकते हैं यहाँ पे, नहीं तो देखते हैं फिर क्या ही होता है, नहीं तो पुलिस वाले ढूंढ नहीं पा रहा मेरे को, अभी तक तो नहीं ढूंढ पाया। यहाँ पे रुकते हैं अबे यार, ये ब्लिंक करना शुरू हो गया वाली से। अरे क्या बच गया, पीछे से ठोकता अभी खतरनाक। अरे भाई क्या ही यार, क्या हो रहा है लॉस एंडोस में, मतलब जहाँ से जा रहे हैं बार 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 ठुके जा रहे हैं ठुके जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर वाला पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा, ये हेलीकॉप्टर वाला दिमाग ख़राब करके रखा है पूरा एकदम। तो यहाँ से जल्दी से फिलहाल राइट ले लेते हैं और फिर चलते हैं सीधा वहीं पर यार बच गए। अरे क्या ही खतरनाक बच गए भाई, दोनों का बीच में से निकले और ये गाड़ी यार फिर से वापस से वैसे ही ठुक के गया खतरनाक। अबे शिट यार, जहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा नहीं तो पुलिस वाला छोड़ेगा नहीं। गाड़ी घूम जा भाई, मेकर यार उन्हें घुतर के मारने वाला, यहाँ भागना पड़ेगा यार फटाफट। हाई साहब क्या ही खतरनाक सीन हो गया यार। तो वहाँ पर ये बारिश भी शुरू हो गया यार, गाड़ी पूरा फुल ड्रिफ्ट मार रहा है खतरनाक टाइप से। जहाँ से राइट ले लेता है भाई सामने से आ गया, अबे यार क्या ही खतरनाक बच गए भाई, वहाँ से बल्दी से फटाफट भागना पड़ेगा। अरे बारिश इतना अचानक जोर से आ गया ना, खतरनाक ही हो गया यार, मतलब बारिश पूरा फुल स्पीड में आया जा रहा है, आया जा रहा है। और एक खतरनाक जंप मारे भाई गाड़ी यार, खतरनाक स्पीड चलता है और फिर उड़ता भी इतना, ये भी लाइकन जैसा ही है खतरनाक से एकदम। फिलहाल हम सोचते हैं यार बिल्डिंग के अंदर रख देते हैं। अबे यार बिल्डिंग में पिलर में भी यार ठुक गए, तो यहाँ से बिल्डिंग में रुकते थोड़ा देर के लिए, शायद हो सकता है मेरे को पुलिस वाले छोड़ दे मेरे को। यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा देर के लिए, आराम करते हैं थोड़ा सा। अबे यार छोड़ दे यार पुलिस वाले, क्या रे यार वहाँ पे भी ढूंढ लिया यार, जल्दी से निकलना पड़ेगा। शिट पुलिस वाले सामने जाते हैं फटाफट जल्दी से और फिर निकलते हैं यहाँ से। अरे यार यहाँ पे तो रास्ता ही बंद है, अबे यार वापस से निकलना पड़ेगा वापस। अरे चक्का इतना स्किड कर रहा है ना यार, अरे भाई यार बगल में चक्का इतना स्किड कर रहा है, ठुके गए बार बार। अरे यार ये चक्का के वजह से बहुत ठुक रहे हैं यार, बारिश आ रहा है ना इतना, इसीलिए बारिश का पानी की वजह से बहुत ठुके जा रहे थे। यहाँ पर जल्दी से फटाफट निकलते हैं फटाफट, बाहर यार बार बार ठुके जा रहा है भाई भाई यार, क्या ही करें अब यहाँ, कहाँ जाएँ को तो यार समझ ही में नहीं आ रहा है। जहाँ जा रहा है वहाँ पुलिस वाला आ रहा है, वहाँ से सामने का हेलीकॉप्टर आ रहा है, यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा यार, नहीं तो फिर फुल स्पीड में भगाएंगे यार, कहीं नहीं रुकेंगे। अरे भाई 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 क्या ही खतरनाक ठुके हैं बचे हैं यार, क्या ही समझ में नहीं आ रहा।
क्या ही करें अब हम, क्या ही बोले यार। पुलिस वालों सामने से आया जा रहा है और फिर पीछे से इतना ठोके जा रहा है ना, गोली चला रहा, लेकिन तब भी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है। हमको तो वही ताज्जुब हो रहा है मेरे को। अरे भाई क्या ही खतरनाक ठुक जा रहा है यार गाड़ी भाई यार। अबे यार ये बार बार ही नहीं आ जा रहा पुलिस वालों, अबे हटना यार, बीच में से आया जा रहा, सामने आ गया, यहाँ से मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा। तो चलो गाइस पुलिस वालों लोग से फाइनली बच चुके हैं हम लोग, कितना मुश्किल से बचे हैं खतरनाक टाइप से। और यहाँ पर ये गाड़ी का लुक दिखा देता हूँ यार, क्या ही खतरनाक लुक है यार गाड़ी का, आवाज़ भी एकदम खतरनाक ही है। यहाँ से अब हम ये इंटीरियर देखते हैं इसका, कैसा है इसका इंटीरियर भाई। यहाँ पे तो पूरा टैब लगा हुआ है यार, अरे पूरा कांच वाँच सब खतरनाक लग रहा है भाई साहब। ओके तो ये पूरा ड्रिफ्ट का कंट्रोल उसमें दिया हुआ है भाई, एग्जॉस्ट नो सुनो। तो यहाँ से जल्दी से अब चलते हैं माइकल के घर पे और इसको फिर फ्रैंकलिन को दे दिया जाएगा ये गाड़ी। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.